देखो, मेरा मानना है कि एक कमजोर को शक्तिशाली, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जीरो को हीरो और रोडपति को करोड़पति बनाने की शक्ति रखती है ये नोफैप लाइफस्टाइल। इसमें कुछ लोग ऑटो कट हो जाते हैं, कुछ लोग ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोग पुश स्टार्ट और कुछ लोग सेल्फ स्टार्ट। देखो, दिमाग में ना ये चीज बैठा लो कि मुझे नोफैप करना है, करना है तो करना है, वो सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, नोफैप करना है तो करना है। यदि आप और अगर तुझे सही में नोफैप करना है ना, तो कर, वो डिसिप्लिन फॉलो कर, मेडिटेशन कर, बाहर जा, डिस्ट्रैक्ट कर अपने आप को, सोशल मीडिया से दूर हो जा, जाके कुछ नया स्किल सीख, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, अपने काम में ध्यान दे। तेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जो जो चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो करेगा तू, तभी कुछ होगा तेरा। उसके बाद आके ये मत बोलना कि मेरा रिलैप्स हो गया। दूसरों से क्यों पूछते हो कि मेरा रिलैप्स क्यों हो गया? भाई पहले खुद से पूछो, क्या तुमने ये सब चीज़ें फॉलो करी जो सुन रहे हो तुम? अगर तुमने नहीं करी तो तुम ऑलरेडी एक लूजर प्रूव हो चुके हो, तुम्हारा रिलैप्स होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको यही पता नहीं है कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे शब्द आज आपको हो सकता है कि कड़वा लगे, लेकिन सच तो यही है। हालांकि आप भी कर सकते हैं, लेकिन करेगा वही जो शुरुआत करेगा। जानने में फायदा नहीं, शुरू करना पड़ेगा। आप या तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाते हैं या तो बहाना, लेकिन दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों एक साथ, या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना लिए हैं, इसका मतलब आपके पास एक भी बहाना नहीं था, या तो आपके पास बहुत सारा बहाना है, तो इसका मतलब आपके पास स्ट्रिक्ट नहीं है। सिंपल है, जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं है और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं है। और अगर तुझे सही में नोफैप करना है, उस लीग में आना है कि तू बाकियों से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बाकियों से ज़्यादा खुश हो, बाकियों से ज़्यादा काम करे, बाकियों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो फिर तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे, और तुझे भी पता है बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि तुम फ्लैट लाइन से डर रहे हो, कम्फर्ट जोन में रहना चाहते हो बेसिकली, क्योंकि फ्लैट लाइन एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर तुम कंफर्ट जोन के बाहर धकेल दिए जाते हो, और दैट इज़ अ वेरी पेनफुल पीरियड। जोर लगता है उस टाइम में, अपने माइंड को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसी चीज़ के डर से तुम बार बार रिलैप्स कर रहे हो। तो बेवकूफ हो भाई तुम। भाई थोड़े दिन ना ग्रुप में टाइम स्पेंड कर लो। यहाँ पे ना काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई सरकारी नौकरी करता है। भाई वो खुद कहते हैं मेरे मुंह पे कि भाई हमें कोई सुख नहीं है इस नौकरी का, हमें कोई सुख नहीं है इस पैसे का, इतनी डिप्रेशन है, इतनी एंजाइटी है, बाहर ढंग से जा नहीं सकते, क्या करूं पैसे का, पैसा आ रहा है, शक्ल उतरी पड़ी है, शक्ल एकदम मुठ्ठल जैसी है, क्या करूं पैसे का। भाई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, ये तो वही बात होगी कि मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों ना पीऊँ।